अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी में हम अब पढ़ेंगे इफ़ और एल्स की कंडीशन को थोड़ा ज़्यादा फर्दर जो एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए हम अभी सिंपल एल्स इफ़ और एल्स की कंडीशन को कर रहे देख रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा इसको ज़्यादा देखेंगे। जैसे कि ये हमने दे दिया है नंबर नंबर 1 2, नंबर इज इक्वल्स टू 1 2, तो ट्वेल्व अब हमने यहाँ पर नंबर इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर हम देंगे नंबर इज नॉट 12। ये हमने दो इसके दे दिए कंडीशंस। उसके बाद हम यहाँ पर द नंबर इज 12, जो हमारा, क्योंकि ये नंबर 12 था। अब हम इसको अगर 11 करते हैं तो हम ये चेक करते हैं नंबर इज नॉट 12। अभी हमने सिर्फ ये दो कंडीशन दी हुई थी। अगर सपोज हम इस कंडीशन को हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम एल्स और इफ, हमने क्या किया कि इफ और एल्स दोनों को मिला के एक और कंडीशन बना दी एल्स इफ, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर सेम है इफ की तरह। हमने यहाँ पर ये दिया डॉलर साइन नंबर इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इको नंबर इज 11, हमने ये इको करवा दिया। उसके बाद हम एल्स इको नॉट इक्वल, हमने अब हमने यहाँ पे तीन कंडीशंस दे दी। अगर नंबर इज इक्वल टू 12 है तो नंबर इज 12 के जो है स्टेटमेंट इको हो जाए, अगर 11 है तो 11 वाली स्टेटमेंट इको हो जाए, अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो फिर हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो होगी एल्स वाली वो इको हो जाएगी। तो हम देखते हैं अब किस तरह से कंडीशन चल रही है। ये नंबर इज 12 बता रहा है, ये नंबर इज 11 आ गया यहाँ पर, और अगर हम इसको 12 कर देते हैं तो इसको यहाँ पर द नंबर इज 12 बता रहा है। अगर हम इसको 10 कर देते हैं तो ये दोनों कंडीशंस को बाईपास कर देगा और नॉट इक्वल पे चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी आ गया। इसी तरह से हम अगर मल्टीपल कंडीशंस हमने चेक करवानी तो हम यहाँ पे और भी एल्स इफ इसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें याद रहे कि आपको आखिर में एल्स ज़रूर लगाना होगा, क्योंकि हमें कहीं में कहीं पे डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू यूज़र को दिखानी ही पड़ेगी कि क्या क्यों हमारी वैल्यूज़ आगे तक नहीं आ रही। तो इसलिए आप एल्स को लाजमी यूज़ करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू नहीं होती तो ये वाली वैल्यू चलेगी ही आपकी। इसीलिए इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करवाते हैं इफ़ और एल्स इफ के थ्रू। थैंक यू।